तो स्वागत है आपके साथ, मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खबर से करेंगे शुरुआत। साईं बाबा के खिलाफ विवादित बयान देने पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ शिरडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। शिरडी हिंदू मुस्लिम ग्रामवासियों की ओर से ये मामला अलग अलग धाराओं के तहत दर्ज किया गया। साईं पर दिए शंकराचार्य के बेतुके बयान से शिरडी में बवाल मचा है। शिरडी में लोगों ने शंकराचार्य के विरोध में प्रदर्शन किया और इलाके में घंटा बजाओ रैली निकाली। शिरडी में साईं भक्तों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद का पुतला भी फूंका। नारेबाजी की गुस्साए लोगों ने स्वरूपानंद के ज्ञान को भी अधूरा बता दिया। उधर वाराणसी में भी साईं भक्तों ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने लोहरावीर चौक पर शंकराचार्य का पुतला फूंका। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती साईं पर दिए गए अपने विवादित बयान पर कायम है। शंकराचार्य ने कहा कि हमारे विरोध से हमारे सहयोगी भी गुस्से में हैं, मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका है। उनका एक मालिक है तो सब में, अगर सब धर्म की बात आप करते हैं तो जैन ईश्वर को नहीं मानता, बौद्ध ईश्वर को नहीं मानता, चारवाक ईश्वर को नहीं मानता, बौद्ध शून्यवादी है तो सबका मालिक कैसे हो सकता है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के साईं बाबा पर दिए बयान का कई संतों ने समर्थन किया है। हरिद्वार के कनखल में शंकराचार्य से मिलने पहुंचे इन संतों का मानना है कि साईं बाबा का हिंदू देवताओं के समक्ष रखकर पूजा करना सही नहीं है, इस पर धर्म संसद बुलाई जानी चाहिए। अपने पूर्व बॉयफ्रेंड नेसवाडिया के खिलाफ प्रीति जिंटा आज बयान दर्ज कराएंगी। वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे बयान दर्ज होगा। हालांकि प्रीति अपने घर पर ही बयान दर्ज कराना चाहती थी लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रीति जिंटा के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और बयान दर्ज होने के दौरान महिला पुलिस अफसर भी मौके पर मौजूद रहेंगे। पुलिस उन्हें घटनास्थल यानी कि गरवारे स्टैंड में ले जाकर भी पूरे मामले को समझने की कोशिश करेगी। प्रीति जिंटा से पुलिस कई सवाल पूछने वाली है। मसलन 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे स्टैंड में आप बैठे कहां थे, आपके आसपास कौन कौन से लोग थे, क्या गरवारे स्टैंड की शुरू की 5 कतारें भरी हुई थी। प्रीति से पूछा जा सकता है कि क्या नेस वाडिया के गरवारे स्टैंड में आने की जानकारी आपको थी, क्या नेस अपनी मां के साथ आए थे और उन्हें काफी देर तक खड़ा रहना पड़ा था, क्या उन्हें सीट नहीं मिलने पर नेस आपसे बात करने आए थे। प्रीति जिंटा से पुलिस पूछ सकती है कि जब आप गरवारे स्टैंड के कॉरपोरेट बॉक्स में गई तो वहां कौन कौन से लोग मौजूद थे, नेस वाडिया के साथ झगड़े या बदसलूकी की वजह क्या थी, क्या इसके पहले भी नेस आपसे इसी तरीके से पेश आए हैं। उधर सोमवार को मुंबई पुलिस ने प्रीति जिंटा के रवैये पर कड़ा एतराज जताया था। पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रीति जांच में सहयोग नहीं कर रही और वो पुलिस से सीधे संपर्क करने की बजाय वकीलों को आगे कर रही। दरअसल प्रीति के वकील ने ये साफ कर दिया था कि वो अपना बयान कब रिकॉर्ड कराएंगे। इससे खबर पुलिस ने प्रीति को समन भेजने की चेतावनी दी। पुलिस की इस सख्ती के बाद प्रीति बयान दर्ज करवाने को तैयार हो गयी। दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर जारी विवाद के बीच एक फॉर्मूले को लेकर बात हो रही है। सूत्रों से खबर है कि बीए और बीकॉम के कोर्स को 3 साल का और बीएससी को 4 साल का रखने पर विचार हो रहा है। ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर मचे विवाद के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से शुरू होने वाला दाखिला टाल दिया गया, जिसके चलते 55,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। यूजीसी और डीयू के बीच मचे विवाद में छात्र परेशान रहे। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के 64 कॉलेजों में से 36 कॉलेजों के प्रिंसिपल ने बैठक कर एडमिशन टालने का फैसला लिया। डीयू प्रिंसिपल्स एसोसिएशन की बैठक में भी यह फैसला हुआ कि जब तक विवाद नहीं सुलझ जाता कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी थी जिसे वापस ले लिया गया। फिर भी कई छात्र एडमिशन लेने पहुंच गए थे लेकिन वहां एडमिशन टलने की सूचना देखकर ये छात्र परेशान हो गए। हमारे को एडमिशन लेना था तो अब और ज्यादा डिले होगा एडमिशन हमारा, तो अब दिक्कत है सर इस चीज का। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि अभी कोई अभी तो कोई ऑर्डर आएगा उससे पहले एडमिशन यहाँ होना नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी के बीच चल रहे विवाद के चलते छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक भी परेशान हैं। दूर दूर से आए ये अभिभावक चाहते हैं कि जल्द इस समस्या का हल निकले और बच्चों के एडमिशन शुरू। अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आया था और रजिस्ट्रेशन हुई थी 85% है लेगेसी और ये डीयू का जो यूनिवर्सिटी का जो अपने अपने तनाव है जिस कारण बच्चों का भविष्य बहुत ही दांव पर लग चुका है। अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आया था और रजिस्ट्रेशन हुई थी 85% है लेगेसी और ये डीयू का जो यूनिवर्सिटी का जो अपने अपने तनाव है जिस कारण बच्चों का भविष्य बहुत ही दांव पर लग चुका है।
एनएसयूआई ने 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्रदर्शन किया। आर्ट्स फैकल्टी के पास एनएसयूआई के सदस्य सड़क पर भी बैठ गए, जिसके चलते जाम लग गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल के कोर्स पर छात्र संगठन नाइसा ने तरह तरह के कार्टून पोस्टर बनाकर विरोध जताया। कार्टून के जरिए डीयू के कुलपति दिनेश सिंह के साथ साथ एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी पर भी हमला बोला गया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों को तैनात किया गया है। कल कैंपस में मारपीट और खून खराबे तक की नौबत आ गई थी, जिसके बाद मुस्तैदी बढ़ा दी गई। उधर 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के समर्थन में और यूजीसी के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर भूख हड़ताल पर बैठे। भूख हड़ताल का नेतृत्व कर रहे आदित्य नारायण मिश्र ने कहा कि यूजीसी डीयू की स्वायत्तता को चुनौती दे रहा है। यूजीसी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे प्रोफेसर के समर्थन में कई छात्र भी आए हैं। प्रोफेसर के इस आंदोलन में ये छात्र शरीक हुए और 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को बरकरार रखने की मांग की। उधर 4 साल के कोर्स का समर्थन करते हुए बीटेक के छात्रों ने यूजीसी के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। ये छात्र यूजीसी पर डीयू के कामकाज में दखलंदाजी करने का आरोप लगा रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कई छात्र भटक रहे हैं। एक छात्र मनीष कुमार भी हैं, जिन्हें सीबीएसई में 93% नंबर आए थे और खुद एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें पत्र लिखकर बधाई दी थी। इस बीच सूत्रों से खबर है कि ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर विवादों में घिरे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि 4 साल के कोर्स की कुलपति ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और इसके लिए वो पद भी छोड़ सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी के बीच छिड़े विवाद पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मुझे इस मामले में बोलने का अधिकार नहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। डीयू के वाइस चांसलर ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि पहले से ही ये माना जा रहा था कि 4 साल के मुद्दे को लेकर वो इस्तीफा दे सकते हैं और बिल्कुल वही हुआ है। शिवानी त्यागी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी लेकर। शिवानी, डीयू के वाइस चांसलर ने इस्तीफा दे दिया? जी बिल्कुल, ये बात सामने आई है। यहाँ पे हमने बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से बयान आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से बयान आया है कि जो वीसी हैं दिनेश सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लगातार एफआईयूपी पे जो विवाद चल रहा था उसके चलते माना ये जा रहा है कि उसी के चलते ये इस्तीफा दिया गया है। उसी के चलते ये इस्तीफा दिया गया है। इस्तीफे के बाद उनके ओर से कुछ कहा भी गया क्या? देखिए, अभी तक किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो सामने आके बात करें, क्योंकि काफी दिनों से जब से यूजीसी से ये डायरेक्शन आई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत नहीं सामने आई। खासकर कि डीयू के जो वाइस चांसलर हैं दिनेश सिंह जी से हमने लगातार बात करने की कोशिश की, पर वो किसी तरीके की बात सामने करने को तैयार नहीं थे। और एकदम अब ये इस्तीफा दे देना तो कहीं ना कहीं एफआईयूपी पे जिस तरीके की बातें चल रही हैं और यहाँ जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो रुका हुआ है, इस नाते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अभी ये अब तक की सबसे बड़ी बात है कि एक यूनिवर्सिटी का कुलपति इस्तीफा दे देता है। और अब एफआईयूपी पे जिस तरीके से हर संगठन उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था और जिस तरीके से एक प्रेशर बिल्डिंग चल रही थी उसके चलते ये इस्तीफा हुआ है। जी चलिए शिवानी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, डीयू के वाइस चांसलर ने इस्तीफा दे दिया, दिनेश सिंह अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर विवाद चल रहा था। और चलिए अब सुपरफास्ट अपडेट की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि रेल किराए बढ़ोतरी के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी है। दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेसियों ने ट्रेन रोककर जमकर हंगामा किया। ट्रेन के इंजन और पटरियों पर घंटों कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। ट्रेन रुकने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपी के मुरादाबाद में बढ़े हुए रेल किराए के विरोध में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। यहां के हरथला रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर मुरादाबाद पैसेंजर ट्रेन रोककर बढ़ा हुआ किराया वापस लेने की मांग की गई। रेल किराए में बढ़ोतरी के विरोध में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें केंद्र से फैसला वापस लेने की मांग की गई है। मुंबई के लोकल ट्रेन के बढ़े किराए पर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने फिर से विचार करने का भरोसा दिया है। इसी मुद्दे को लेकर मुंबई ठाणे के एनडीए सांसदों ने रेल मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि सांसदों ने रेल मंत्री को मुंबईकरों की भावनाओं से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि मुंबई में रेलवे की दूसरी समस्याओं पर भी बात हुई।
दिल्ली के पालम इलाके में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिजली पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता योगानंद शास्त्री की अगुवाई में कांग्रेसियों ने पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेसियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने व्यापम घोटाले में सीएम और उनकी पत्नी का नाम लिया। व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान की पत्नी का नाम उछालने वाले कांग्रेस नेता के मिश्रा की सुरक्षा हटा ली गई है। सिमी आतंकियों से जुड़ा एक खुलासा उन्होंने किया था, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा दी गई थी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लोगों ने इराक में अपनों की सलामती के लिए अरदास किया। अरदास में दर्जनों लोग शामिल हुए और अपनों की स्वदेश वापसी के लिए दुआ मांगी। इराक में आतंकियों के तांडव की एक और सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि आईएसआईएस के आतंकियों ने इराकी सेना के जवानों समेत करीब 4500 लोगों को बंधक बना लिया है। ये वीडियो इराक के तिक्रित शहर का है। कतार में खड़े लोगों को कहीं ले जाया जा रहा है। वीडियो कितना सच है इसका दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन आईएसआईएस की तरफ से जो दावा किया गया है वो ये है कि इसमें सैनिक समेत 4500 लोग बंधक बनाए गए। इराक में फंसे सैकड़ों भारतीयों में से 10 युवक आज मुंबई लौट सकते हैं। सभी गोपालगंज के रहने वाले हैं। वो काम के सिलसिले में इराक गए थे। भारतीय दूतावास इराक की कई कंपनियों में फंसे 191 युवकों के लगातार संपर्क में है। इराक पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि इराक की हर तरह से मदद की जाएगी। आईएसआईएस से इराक के अस्तित्व के लिए खतरा है। केरी ने कहा कि इराकी नेताओं को इस संकट का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अलकायदा से अलग हुए आईएसआईएस से इराक में ज्यादा समय तक खतरा है, लेकिन आईएसआईएस को जनता खारिज कर देगी। ओबामा ने कहा कि अरब देश इराक के नेताओं पर दबाव बनाए ताकि वो सरकार गठन की प्रक्रिया चालू हो सके। उधर इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाने वाले जज रऊफ अब्दुल रहमान की आईएसआईएस के आतंकियों ने हत्या कर दी है। जज रऊफ ने सद्दाम को 148 शियाओं की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। बीजेपी महासचिव अमित शाह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों से खबर है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार सफलता का इनाम अमित शाह को अध्यक्ष बनाकर दिया जा सकता है। अमित शाह लोकसभा चुनाव में यूपी के प्रभारी बनाए गए थे और बीजेपी को यहां भारी सफलता मिली थी। शाह को कमान देने की चर्चा की एक वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी होना भी बताया जा रहा है। मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के मंत्री बनने के बाद से ही पार्टी अध्यक्ष की खोज शुरू हुई है। इस रेस में अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन सूत्र बताते हैं अमित शाह को कमान मिल सकती है। मोदी सरकार ने विदेश नीति पर एक बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेशियों को वीजा ऑन अराइवल देने का प्रस्ताव विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को भेजा था, जिसे खारिज कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि किसी भी उम्र के बांग्लादेशियों को बिना वीजा के देश में एंट्री की इजाजत नहीं दी जा सकती। बुधवार से शुरू हो रही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बांग्लादेश यात्रा के पहले विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय की राय मांगी थी। पूर्व संचार एवं कानून मंत्री कपिल सिब्बल तीनमूर्ति रोड पर मौजूदा अपना सरकारी बंगला खाली कर लुटियंस जोन दिल्ली में शिफ्ट होने वाले हैं। जोरबाग इलाके के जिस घर में वो जाएंगे उसका किराया 16 लाख रुपए महीना है। सलमान खान के हिट एंड रन मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले का एक गवाह पुलिस को दिए अपने पहले के बयान से मुकर गया है। उसने सलमान को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसने सलमान को पहचानने का पहले पुलिस के सामने दावा किया था, लेकिन कोर्ट में मुकर गया। पटना में 12 साल पहले हुए आशियाना नगर फर्जी एनकाउंटर मामले में कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी शमसे आलम को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक सिपाही सहित 7 लोगों को उम्र कैद की सजा भी दी है। 28 दिसंबर 2002 को आशियाना नगर में 3 छात्रों की पुलिस मुठभेड़ बताकर हत्या कर दी गई। बिहार के डीजीपी अभियानंद को पद से हटा दिया गया है। उन्हें होमगार्ड्स का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। उनकी जगह पर पीके ठाकुर को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। अभियानंद इसी साल 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से महज 6 महीने पहले उन्हें बिहार के डीजीपी पद से हटा दिया गया। हालांकि खबर यह भी है कि अभियानंद ने बीआरएस के लिए अर्जी दी है। बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव के दौरान डीजीपी अभियानंद के रवैये से तब के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश नहीं थे। माना जा रहा है उन्हें डीजीपी पद से हटाए जाने के पीछे यही वजह रही। दिल्ली के तिलक विहार इलाके में लोगों ने एक सिपाही और उसकी प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। सिपाही को तो ज्यादा मार नहीं पड़ी, लेकिन लोग उसकी प्रेमिका पर टूट पड़े। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने उस पर जमकर थप्पड़ लात घूंसे बरसाए। सिपाही पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता रोहतास दिल्ली के तिलक विहार थाने में सिपाही है। कुछ दिनों से उसने तिलक विहार में किराए का कमरा लिया था। यहीं पर ये अपनी प्रेमिका से मिलता था।
सिपाही और उसकी प्रेमिका की पिटाई कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी के नेतृत्व में हो रही थी। सिपाही की पत्नी को जैसे ही भनक लगी कि उसका पति प्रेमिका के साथ गया हुआ है, वो लोगों के साथ आ धमकी और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। बिहार के औरंगाबाद में बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। पहले दो लड़के आपस में भिड़ गए, देखते ही देखते चार और लड़के इस मारपीट में शामिल हो गए। लोगों की भीड़ तमाशबीन बनकर तमाशा देखती रही और ये लड़के आपस में दनादन घूंसे चलाते रहे। ऐसा लग रहा था मानो एक दूसरे की जान लेने के बाद ही दम लेंगे। दरअसल बिहार के औरंगाबाद में हरिहरगंज के नजदीक तेज रफ्तार जायलों ने टेम्पो को टक्कर मार दी जिससे एक शख्स घायल हो गया था। दिल्ली में देर रात सफदरजंग इलाके में एक ट्रक बीच रोड पर धू धू कर जलने लगा। टायर फटने के बाद ट्रक में अचानक आग लग गई, देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक मध्य प्रदेश के रीवा से हरियाणा जा रहा था। ट्रक में रबर का सामान लदा हुआ था जिससे आग और तेजी से भड़क गई। दिल्ली के जवारीपुर इलाके में गत्ता फैक्ट्री में अचानक आग की लपटों से घिर गई। आग से फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इलाहाबाद में इंदिरा भवन की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। आग सेस टैक्स के ऑफिस में लगी थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में कुछ जरूरी कागजात भी जल गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अगले खबरों में आगे रुख करेंगे पंजाब के, रुख करेंगे जहां पर बरनाला में यात्रियों से भरी एक बस ट्रक से भिड़ गई। हादसे में 30 लोग जख्मी हो गए। यात्रियों को लेकर बस लुधियाना से जयपुर जा रही थी। बरनाला के महाकला के पास बस बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। बस का दरवाजा जाम होने के बाद लोग शीशे तोड़कर बाहर निकाले गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के गोंडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सवारियों से भरी एक बस लकड़ी के पुल पर हवा में लटक गई। दरअसल बस जैसे ही पुल पर से गुजरी पुल का एक हिस्सा टूट गया जिससे बस पुल से नीचे लटकने लगी। गोंडा के नवाबगंज इलाके में टेढ़ी नदी पर बना यह पुल बहुत पुराना था और जर्जर हालत में था। बस जैसे ही पुल से गुजरी तेज आवाज के साथ पुल टूट गया। हादसे के वक्त बस में 40 लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी को सकुशल बस से निकाल लिया गया। यूपी के एटा में श्रद्धालुओं से भरी एक बस को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 35 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 15 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की ने अपने दोस्त और उसके चार साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली के मयूर विहार में पति ने पत्नी की हत्या कर लाश को एक बैग में डालकर झाड़ियों में फेंक दिया। पति ओम प्रकाश ने पत्नी की गला घोटने की बात कबूल कर ली जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में बदमाशों ने एक नाबालिग लड़की को गोली मारकर जान ले ली। लड़की पर गोलियां बरसाने के बाद चारों हमलावर बाइक से फरार हो गए। हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया। पटना में पुलिस ने दो रेस्टोरेंट में छापेमारी करके 8 प्रेमी जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया। साथ ही दोनों रेस्टोरेंट के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। दोनों रेस्टोरेंट से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मुंबई से तटे ठाणे में पुलिस ने एक बार पर छापा मारा। अंतरा बार पर छापेमारी के दौरान 15 लड़कियां और 28 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। बार के अंदर एक खुफिया कमरा बनाकर रखा गया था जहां छिपाई गई थी लड़कियां। पुलिस ने यहां से 60,000 रुपए भी बरामद किए। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि यह शराब अवैध रूप से यूपी के लिए सप्लाई की जानी थी। शराब के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में चोरों ने घर को निशाना बनाया, लाखों का सामान लूट लिया। पूरा परिवार गंगा नहाने गया था, उसी वक्त मौका पाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पंजाब के भटिंडा में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाशों पर दर्जनों अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं। यूपी पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। झांसी के बरुआ सागर थाने की पुलिस ने 3 साल के मासूम पर केस दर्ज किया है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने एक परिवार पर डकैती का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने 3 साल की मासूम का नाम भी केस में डाल दिया। झारखंड के कोडरमा में नक्सलियों के नाम से धमकी भरे पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टरों में जेवीएम कार्यकर्ताओं को तुरंत पार्टी छोड़ने का आदेश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई। बिहार में इंसेफ्लाइटिस का कहर लगातार जारी है। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में हुई एक बच्चे की मौत पर परिजनों ने टीएम ऑफिस के बाहर हंगामा किया।
बिहार में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली ये पांचवी मौत है, जबकि 9 मरीज मुजफ्फरपुर अस्पताल में भर्ती। बिहार में इंसेफ्लाइटिस का कहर लगातार जारी है। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में हुई एक बच्चे की मौत पर परिजनों ने टीएम ऑफिस के बाहर हंगामा किया। बिहार में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली ये पांचवी मौत है, जबकि 9 मरीज मुजफ्फरपुर अस्पताल में भर्ती। गुजरात के भरूच जिले में 25 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। लोगों ने अपने ऑफिस की कैंटीन में बना समोसा खाया था। समोसा खाने के दौरान कई लोगों को दस्त और उल्टी की शिकायत होने लगी। पीड़ित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। ये लोग सेबी और केंद्र सरकार के रीजनल स्टॉक एक्सचेंज बंद करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में उससे उर्स उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। कई लोगों ने मजार पर चादर भी चढ़ाई।